हाय फ्रेंड्स, पहले तो सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम सभी को। आज मैं एक अच्छी चीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। हमारे भरतपुर सिटी में, जो कि वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से फेमस है, वहाँ क्या है कि 108 फीट का, ऐसा बताया जा रहा है, मैंने सुना है कि भारत का सबसे बड़ा गोवर्धन महाराज, गोबर जी के बनाए जा रहे हैं, गोबर के बनाए जा रहे हैं गोवर्धन महाराज। तो उनके उपलक्ष्य में ना, भरतपुर में MHA कॉलेज, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उसका ग्राउंड है, कॉलेज ग्राउंड यहाँ बोलते हैं, उसका नाम है MHA कॉलेज ग्राउंड। तो उसके ही रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। उसमें 108 फीट का इंडिया का सबसे बड़ा गोवर्धन महाराज की प्रतिमा मूर्ति बनाई है गोबर से। तो उसके उपलक्ष्य बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ब्लॉग में पूरा, वो भी दिखाऊंगा पूरा बहुत बड़ा, ठीक है, दिखाता हूँ तुम्हें, चलो आओ। कि उपलक्ष्य में ये सब जो पुलिस बहुत खड़ी हुई है, पुलिस फोर्स बहुत खड़ी हुई है, और ये जो जिला कलेक्टर की गाड़ी यहाँ आई है, क्योंकि दंगा वंगा ना हो जाए, भीड़ के चलते कोई झगड़ा ना हो जाए। और ये दमकल खड़ी है, फायर ब्रिगेड गाड़ी, पुलिस की फोर्स आई हुई है। और दिखा दूँ, देखो पुलिस की कितनी सारी फोर्स को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। देखो दिख रहा होगा तुम्हें सामने से, पुलिस की कितनी बड़ी टीम है सामने, और गाड़ियाँ और भी खड़ी हैं, एम्बुलेंस खड़ी है। सामने पूजन टाइम होगा तब बहुत सारे बिल्डिंग सिस्टम बाहर से लगाए हुए हैं। चलते हैं ममता देवी, अंजू कुमारी, ये देखो दिख रहे हैं, ये उनके ये 56 वो हैं जो देख रहे हैं तुम्हें। काफ़ी भीड़ होगी, अभी तो मैं जल्दी आ गया हूँ क्योंकि रात को आना नहीं होगा, हमारे यहाँ भी गोवर्धन पूजा होगी, पर रात को बहुत ही ज़्यादा क्राउड होने वाला है यहाँ। ये देखो ऊपर से, यार मेरे पास ड्रोन नहीं है, ड्रोन से तो बहुत अच्छा दिखता है ऊपर, देखो दिख रहा है ना, मतलब ऊपर से पूरा ओवरऑल दिखता है, पर यहाँ से टोकरों में दिख रहा है, सामने से ऐसे देखेगा पूरा घूम के आते हैं। देखो दिख रहा होगा पूरा इंटीग्रेटेड, नहीं दिख रहा पर छोटा छोटा दिख रहा, जैसा दिख रहा वैसा देखो। देखो रात को बहुत ही तगड़ा प्रोग्राम होने वाला है भैया, पुलिस का पूरा इंतजाम है, फायर ब्रिगेड का पूरा इंतजाम है। देखो अभी तो तैयारियां चली रही हैं इसकी, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। देखो श्री गोवर्धन महाराज, हमारे यहाँ गोवर्धन महाराज की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, हमारे यहाँ तो बहुत लोग परिक्रमा देने भी जाते हैं। देखो इसे 100 लोगों की ड्यूटी नियुक्त की गई है, रात को तो बहुत ही ज़्यादा हंगामा है, इस वजह से पूरी व्यवस्था की गई। देखो पंडित जी लोग भी हैं, पंडित जी वगैरह सब जुड़े हुए हैं कार्यक्रम को भी और आगे बढ़ाने में, देख सकते हो। तो देखा तुमने जैसा मजा तो आया हुआ ना, देख ये जैसा तुम्हें दिख रहा है, तो ये पुलिस वाले हो ना, उनकी उनकी ड्यूटी नियुक्त की जा रही है कि तुम्हें अंदर बैरिकेडिंग में जाना, तुम्हें ऐसे जाना। देखो कितनी पुलिस भी इकट्ठी हुई है, महिला पुलिस अलग है और पुरुष पुलिस अलग है,
और जो NDRF जो टीम होती है, ये जो कमांडो वाली वो अलग है। देखो सब अपने अपने नियुक्ति पे जा रहे हैं। साउंड सिस्टम देखो, रात को तो सच में ही बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इस फील्ड में। इसको बोलते हैं कॉलेज ग्राउंड। ये MHG कॉलेज का एक ग्राउंड है जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जुड़ा हुआ है। मैंने बताया ना अभी आपको शुरू में जानकारी दी। चेयरमैन की गाड़ी सुभाष गर्ग जी, सुभाष गर्ग जो कि राजेंद्र शर्मा और जयराज कृष्णा कहाँ है? जयराज कृष्णा नहीं है। दोनों लोग जाएंगे वहां पे जहाँ पे कार्यक्रम स्थल पर बैठने की व्यवस्था है, ठीक है। ज्यादा मजा आएगा वीडियो में क्योंकि हमारे जीजाजी जो सामने कॉलेज ग्राउंड है, कॉलेज ग्राउंड को लेकर पुलिस स्टेशन की बैरिक है, तो मैं ड्यूटी करते थे, उन्होंने भेज दिया 70,000 फोटो खींच के। अरे दिखना पड़ेगा ना, आंखों को थोड़ा बड़ा करो, देखो जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। देखो ड्रोन भी चल रहा है, देखो ड्रोन दिखा गया तुम्हें, देखो गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, हाई ब्रिगेड खड़ी है और साउंड लगा हुआ दिख रहा होगा, भीड़ खड़ी हुई है, पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है ना। कॉलेज ग्राउंड के पीछे ही पुलिस की लाइन है, पुलिस लाइन भरतपुर में। तो अब देखो देखो तुम दिखाऊँ ऊपर से देखो। देखा फिर बता दूँ, ये जो है भरतपुर में हमारे MHG कॉलेज है, MHG कॉलेज जो कि एप्लीकेटेड है राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो उसके ग्राउंड में कॉलेज ग्राउंड नाम ब्रज यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी अलग हो गई है, तो उसके कॉलेज ग्राउंड में बन रहा है बहुत बड़ा, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। यहाँ पर गिनीज बुक में नाम भी आ सकता है इसका। 108 फीट का गोवर्धन महाराज गोबर से बनाया जाता है, और पता है जैसे हमारे भारतीय संस्कृति बहुत ज़्यादा मान्यता है गोवर्धन महाराज की। जय देखो तो मैं जूम करके दिखाऊँ, और पास आ जाओ भैया, ये पूजन भी स्टार्ट हो गया, जूम करके दिखाओ, पूजन भी स्टार्ट हो गया है और बहुत लाइटिंग रात में। टाइमिंग के सबसे पूजन हो रहा है, पूजन स्टार्ट हो गया। ज़्यादा भीड़ आई है बहुत, मतलब बहुत कैसे पता नहीं दंगा हो जाए, इसलिए पुलिस बहुत सारी खड़ी हुई है। मंत्री जी भी आए हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री, पर्यटन मंत्री, IGD, IGCI सब कुछ आए हुए हैं। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करें बगैर मत।